गाइस आपके पास अगर Redmi 12 5G या फिर बोल सकते हो पोको M6 Pro 5G डिवाइस है और उसको आप OnePlus में कन्वर्ट करना चाहे तो मेरे ये वाले डिवाइस की तरह जो देख सकते हो कि पूरे सेटिंग्स मतलब पूरे इंटरफेस सब कुछ ओके खास ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि गाइस मैं इसमें इंस्टॉल किया हूँ OnePlus का एक पोर्ट रोम और रियली में गाइस ये रोम मुझे बहुत सही लगा। आप अगर मेरा रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको जरूर पता होगा मैं कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो दिया था कलर ओएस का, वो भी ऑक्सीजन ओएस की तरह सारे यूआई सेम है बट इसका नेम सिर्फ कलर ओएस था ओके। बट उसमें मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम्स मिल रहा था जिसमें से एक था जब सबसे बड़ा मेजर बग्स उसमें कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहा था प्ले स्टोर से और भी बहुत सारे बग्स वगैरह था ओके। तो देन इसके बाद और एक ये वाला रोम आया जो है ऑक्सीजन ओएस का पोर्ट, वो था कलर ओएस का और ये है ऑक्सीजन ओएस ओके जो वन प्लस डिवाइस को ओके ऑक्सीजन ओएस वन प्लस डिवाइस का पोर्ट आ चुके हैं और लिटरली गाइस ये वाला रोम आपको बहुत सही लगेगा ओके। तो सब कुछ मैं डिटेलिंग में बताऊंगा इस वीडियो में, बैंकिंग एप्स चलते हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसे है, गेमिंग कैसे चल रहे ओके, थोड़े गेमिंग के बारे में भी बात करूंगा, बाकी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड होते हैं कि नहीं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मेजर कुछ इशू है कि नहीं, मतलब सब कुछ डिटेलिंग में बताऊंगा ओके। सो वीडियो को मस्ट वॉच करना, एक भी पार्ट स्किप मत करना कि नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और चैनल पे नए हो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो जरूर कर देना यार, जल्दी कर दो सब्सक्राइब। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अबाउट फोन से ओके। तो अबाउट डिवाइस इसमें देख सकते हो ऑक्सीजन ओएस 13 के साथ आता है ओके, एंड्रॉइड 13। बाकी हमारे डिवाइस जो देख सकते हो स्काई जो रेडमी 12 5G और पोको M6 Pro जो 5G डिवाइस है उसका सेम कोड नेम है ओके। बाकी एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, तो नोटिस कर सकते हो इधर से। बाकी सिक्योरिटी वगैरह आपको ओल्ड देखने को मिलेगा ओके, तो कोई मेजर इशू नहीं है। ऑक्सीजन ओएस इधर आपको 13 देखने को मिल जाएगा, चेक फॉर अपडेट्स में इधर से चेक वगैरह कर सकते हो ओके। ऑक्सीजन ओएस का सारे जो फीचर्स थे वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लाइक वाईफाई वगैरह ओके प्रॉपर काम करते हैं, इशू नहीं है। और गाइस मैं इस रोम को मैक्सिमम 7 days से यूज़ किया हूँ ओके, मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिला है। इधर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, 5G प्रॉपर काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ओके, 5G काम करते हैं, ब्लूटूथ सही चलते हैं, कोई इशू नहीं है, कनेक्शन शेयरिंग सब कुछ सही चलते हैं। बाकी इसमें आपको मिल जाएगा वॉलपेपर एंड जो स्टाइल है ओके, तो इसमें से आप वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो देख सकते हो, बट इसमें ना लाइव वॉलपेपर काम नहीं करते, ये ध्यान रखना पड़ेगा, AOD काम करते हैं। सो देख सकते हो मैं सो भी करके देख रहा हूँ कि मैं इधर से ऑन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ऑन कर दिया, देखना AOD प्रॉपर काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है देख सकते हो। AOD रिलेटेड भी कोई आपको इशू इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बैटरी मतलब ज़्यादा घटेगा ओके, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फोन वगैरह इधर से चेंज कर सकते हो, आइकॉन पैक वगैरह आप इधर से चेंज कर सकते हो, जो देख सकते हो मटेरियल यू को सपोर्ट करते ओके। और सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, इसको इग्नोर करना ओके। और देख सकते हो इसमें मटेरियल यू को सपोर्ट करते ओके, सो ये भी मुझे बहुत सही लगा, जो वॉलपेपर बेस्ड जो कलर है उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी इसमें देख सकते हो आप कलर का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप नॉर्मली अपने हिसाब से कस्टम कलर ऐड कर सकते हो, और इधर से वॉलपेपर बेस्ड जो कलर है ना उसको भी आप चेंज कर सकते होगे। तो ये मुझे बहुत सही लगते हैं, जो पूरा UI चेंज हो जाता है उसके बेस्ड कलर में। क्विक सेटिंग्स के स्टाइल चेंज कर सकते हो, मेरे में ए वाला स्टाइल होगे, मुझे अगर इसको विंडो का ही ना नॉर्मली इसको प्रेस करूँगा उसके बाद देखना चेंज हो गया ओके। और वन प्लस का जो कंट्रोल पैनल है वो भी मुझे सही लगते हैं, सो देख सकते हो बैक में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा एज लाइट, सो ये भी काम करता है ओके, एज लाइट वगैरह आपको मिल जाएगा। देन नीचे आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन ओके, सो होम स्क्रीन में आपको ऐप ड्रॉअर का सपोर्ट मिलेगा, बाकी होम स्क्रीन लेआउट का सपोर्ट आपको मिल जाएगा ओके। देन ग्लोबल सर्च जो लॉक कर सकते हो, होम स्क्रीन आइकॉन ऑटो व्हील जो कर सकते हो, स्वाइप डाउन में क्या रखना चाहते हो ओके होम स्क्रीन से, मैं तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर रखा हूँ आप भी रख सकते हो। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से शॉर्टकट में कुछ ऐड कर सकते हो आप खुद के हिसाब से ओके। रिसेंट टास्क मैनेजर इधर से ऑन कर सकते होगे, ये वाला जो देख सकते हो नीचे कितना अवेलेबल है इस पर शो कर देगा, सो ये मुझे सही लगते होगे। देन बैक में आने के बाद आपको मिल जाएगा इधर से डिस्प्ले एंड जो ब्राइटनेस ओके, इधर से आपका डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं अगर डार्क मोड ऑन करूँगा सो इधर देखना
आपको न्यू जो ऑप्शन मिल जाएगा इनहेंस मीडियम और जेंटल करके, ओके ये पूरे ब्लैक कर देते हैं, पूरे ब्लैक, ये मीडियम होते हैं और ये जेंटल में शो भी करता हूँ, देख सकते हो नॉर्मल है, ये मीडियम है और ये पूरा ब्लैक हो जाते हैं, तो ये मुझे सही लगता होगा। बाकी एडजस्ट वॉलपेपर में कर सकते हो, आइकॉन में एडजस्ट कर सकते हो और लो लाइट वगैरह में, ओके सो ये मुझे बहुत सही लगता है, ओके और कम वगैरह सही से करते हैं। डार्क मोड सेटिंग्स में आप इधर से देख सकते हो, देन आई जो कम्फर्ट है उसको कर सकते हो, स्क्रीन जो कलर मोड है उसको आप इधर से नॉर्मली चेंज कर सकते हो, ओके फॉन्ट डिस्प्ले साइज, इधर से जो इमेज जो स्नैपडील है ना उसको आप ऑन कर सकते हो, काम करते हैं। वीडियो कलर इनहेंसर का सपोर्ट मिलेगा जहाँ से ऑन कर सकते हो, जो ब्राइट एचडीआर वीडियो मोड आपको मिल जाएगा, और तो जो रूटेड वगैरह स्क्रीन वगैरह का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, देन इसमें देख सकते हो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा, ओके जहाँ से 60 और 90 सो काम करते हो प्रॉपर 90 हर्ट्ज़, कोई इश्यू नहीं है। देन साउंड एंड जो वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से लुक आपको मिल जाएगा, बाकी कॉलिंग वगैरह में आपको नोटिफिकेशन वगैरह में हैप्टिक देखने को मिल जाएगा, बट आप टाइप वगैरह करते हो ना, टाइप वगैरह करते हो तो उसमें आपको हैप्टिक वगैरह डेट देखने को मिलेगा, ओके उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट मेरे में ऐसा कोई इशू नहीं है। नोटिफिकेशन जो इसमें स्टेटस भर है, स्टेटस भर में देख सकते हो आपको आइकॉन वगैरह किस तरह से रखना चाहते हो तो उसका सपोर्ट मिलेगा। बाकी इसमें आपको मिल जाएगा बैटरी परसेंटेज, बैटरी स्टाइल किस तरह से रखना चाहते हो इसे इधर नोटिस करना, देख सकते हो इसका भी सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देन रियल जो टाइम का जो नेटवर्क स्पीड है वो ऑन ऑफ कर सकते होगे, सही तो चाहिए और क्या चाहिए। देन कन्वर्जेशन का सपोर्ट है, मोर सेटिंग्स में आपको नॉर्मली ऐसा जो इनट्स नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, सो इस तरह से। देन नीचे ऐप्स का सपोर्ट है, इसमें जाने के बाद आपको डिफॉल्ट ऐप्स, रिकवर सिस्टम ऐप्स, ऑटो लॉन्च का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ओके देख सकते हो। ऐप क्लोनर का सपोर्ट है जहाँ से आप ऐप वगैरह को क्लोन कर सकते हो, बट लिमिटेड एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन में नहीं, लाइक मैंने भी टेलीग्राम में अगर क्लोन करूँगा सो देख सकते हो क्लोन हो चुका है, ओके सो भी कर देता हूँ, सो देख सकते हो इधर दो टेलीग्राम ऐड हो चुके हैं, एक है क्लोन है और एक है नॉर्मल, सो क्लोन वाला ऑप्शन भी काम करता है, सो ये भी मुझे सही लगा। एडवांस जो सेटिंग्स से है उसका भी एक न्यू ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ओके देन बैक में आने के बाद इसमें आपको मिलेगा पासवर्ड एंड जो सिक्योरिटी, सो ये भी काम करते हैं, बट फेस लॉक डेट है, मैं फिंगरप्रिंट शो कर देता हूँ, देख सकते हो क्विकली ओपन होता है, ओके बट इसमें ना फेस लॉक आपको डेट देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं फेस लॉक इसमें यूज़ भी नहीं करता हूँ। प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, कैमरे वगैरह एक्सेस लेगा तो आपको इधर शो होते हुए देखने को मिल जाएगा, सो मेरे में तो कैमरा इंस्टॉल नहीं है सो इसलिए मैं शो नहीं कर पाया, चलो मैं 199 में कॉल करके शो करता हूँ उनको, सो मैं 199 में कॉल किया, सो कॉलिंग में देख सकते हो जो एक्सेस ले रहा है ना माइक वो इधर से आपको शो हो जाएगा, जिसको आप इधर से ना ऑफ भी कर सकते हो, इधर से एक्सेस वगैरह ऑफ भी कर सकते हो, देख सकते हो, ओके तो कट करता हूँ कॉल। बाकी प्राइवेसी के ये वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और रुक जाओ मैं फ़ोन को लाइट मोड में करता हूँ, डार्क मोड ऑफ करता हूँ, ओके सो नीचे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन सेफ्टी एंड इमरजेंसी बैटरी, बैटरी का ये वाला लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा, ओके जैसे आप चेक वगैरह कर सकते हो कितना क्या घट रहा है, कौन सा एप्लीकेशन कितना जो बैटरी ले रहा है। देन गाइस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा स्पेशल फीचर्स, तो इसमें जाऊंगा, इसमें देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी इसमें फ्लेक्सिबल विंडो, लाइक मुझे अगर मैसेजिंग को करना है सो मैं इस तरह से कर सकते हो, ओके जो फ्लोटिंग विंडोज़ बोल सकते हो जो MIUI में मिलते हैं, देन नॉर्मली इधर करके प्रेस करके क्लोज कर सकते हो। देन और भी एक ऑप्शन है आपको इसमें देखने को मिलेगा जो स्मार्ट साइड बार, ओके सो देख सकते हो जो हम लोगों को भी मिलता है ये वाला, जो मतलब MIUI में या फिर बोल सकते हो हाइपर वे में मिलते हैं, तो सर से इसमें भी मिल जाएगा, लाइक मुझे फोटोज़ को फ्लोटिंग में करना है सो नॉर्मली प्रेस करके कर सकते होगे। देन बैक में आपको मिलेगा की स्पेस, काम तो मैं नहीं करता हूँ, सिंपल मोड, बाकी जो वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह का सपोर्ट है, इधर से जेस्चर मोशन वगैरह का सपोर्ट आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, जेस्चर से क्या वगैरह करना चाहते होगे, तो बहुत सारे फीचर्स आपको जेस्चर से रिलेटेड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बैक में आपको जो इसमें से मिल जाएगा जो एडिशनल सेटिंग जो सिस्टम नेविगेशन, ओके सो इसमें से नेविगेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, पावर बटन वगैरह, सो ये वाला पावर मेनू का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं,
देन आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना तो देख सकते हो इधर से जो 1080 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, बाकी जो फ्रेम रेट आप 60 FPS तक कर सकते होगे। तो ये भी मुझे बहुत सही लगा। बाकी इसमें अवॉर्ड यूजर जो अकाउंट्स वगैरह आपको मिलेगा, ओके होम स्क्रीन में देख सकते हो ये वाला लुक आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस वाला जो कलर वेज था उसमें नॉर्मली प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना पड़ रहा था शायद, बट इसमें नॉर्मली रोम इंस्टॉल करने के बाद से आपको प्ले स्टोर ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगा। आप नॉर्मली उसको साइन इन कर सकते हो, ओके कोई इशू नहीं है। डायलर इसमें गूगल का मिलेगा, मैसेजिंग भी आपको गूगल का देखने को मिलेगा, ओके बट इसमें कोई कैमरा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली कोई कैमरा आप इसमें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। ओके अब चलो इस मेन परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता हूँ, जिसमें से सबसे पहले मैं फोकस करूँगा इसके बैटरी रिलेटेड। ओके लिटरली गाइस इसमें बैटरी बैकअप रिलेटेड मुझे कोई इशू इसमें देखने को नहीं मिला। मैं 7 days से फ़ोन को यूज़ किया हूँ, कोई मुझे ऐसे मेजर इशू देखने को नहीं मिला है। देन इसका अंतुतु स्कोर शो कर देता हूँ, सो देख सकते हो इसका अंतुतु स्कोर भी मुझे सही लगा। गीकबेंच स्कोर जो है वो भी देख सकते हो, सिंगल और जो मल्टी स्कोर है। देन सबसे मुझे सही लगा जो 95 तक ये सीपीयू थ्रॉटलिंग करते हैं 95%, सो ये भी मुझे सही लगा। ओके कुछ बक्स वगैरह की बात करता हूँ, सो पहले मैं तो एक बक्स से बताया हूँ, हैप्टिक वगैरह डेट है नॉर्मली टाइपिंग वगैरह में। ओके और भी शायद कुछ बक्स बताए हूँ जो छोटा मोटा है, कोई इशू नहीं है। इसमें स्नैपचैट कैमरा जो काम नहीं करते, ओके स्नैपचैट में कैमरा काम नहीं करते, बाकी अमेजन UPI काम नहीं करते। और आप इसमें जो जीपे और गूगल पे नॉर्मली जीपे और फोन पे नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, कोई इशू वगैरह इसमें नहीं रहने वाला है। ओके थोड़ा गेमिंग के ऊपर फोकस करता हूँ, तो मैं इसमें एस्पर नाइन को ट्राई किया हूँ। ओके और आप जो यूजर इस गेम को प्ले किया है उसको पता होगा कितना हैवी गेम है। ओके लगभग 3.5 GB का गेम है, और इसमें मैं नॉर्मली इसको प्ले करता था तो कोई फ्रेम ड्रॉप्स मुझे इसमें देखने को नहीं मिल रहा था, नॉर्मली सेल मतलब प्ले कर रहा था। ओके गेमिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, और मैं अल्ट्रा जो ग्राफिक्स करके खेल रहा था, बट इसमें मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम अब शो हो रहा है। ओके इसलिए प्ले नहीं हो रहा है। बाकी इसमें ना आपको वॉइस चेंजर का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जो वन प्लस का जो गेम सेंटर मिलते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फ्री फायर पबजी वगैरह खेलते हो सो नॉर्मली वॉइस चेंजिंग वगैरह भी आप इसमें से कर सकते हो। ओके सो अब देख लेना, कोई गेमिंग में भी मुझे इसमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिला। क्यूज़ पैनल में आपको इसमें देख सकते हो डेटा यूजेस का सपोर्ट मिलेगा, टेल्स वगैरह आप एडिट करके इधर से कर सकते हो। अगर वाईफाई को क्लोज करके ब्लूटूथ रखना है सो इधर से देख सकते हो ब्लूटूथ ऐड हो चुके हैं, नॉर्मली उसको वाईफाई में करना चाहते हो सो इधर से प्रेस करके कर देना ईजिली हो जाएगा। और इसमें आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिलेगा देखने को, ओके जो म्यूजिक वगैरह सुनते हो सो डॉल्बी का भी सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो लिटरली गाइस मुझे रोम सही लगा, यूज़ करना चाहते हो सो कर सकते हो। और हाँ वॉलपेपर चाहिए सो मैं अलग से एक न्यू चैलेंज क्रिएट किया हूँ वॉलपेपर का, सो जरूर उसमें ज्वाइन होके वाला वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना। ओके इंस्टॉलेशन का वीडियो की बात करें सो नॉर्मली जो फ्लाइन यूएस का दिया था उस तरह से कर सकते हो। ओके